के इस बुलेटिन में खबरों के साथ मैं स्वाति और आई रुक करते हैं आज तमाम बड़ी खबरों पर। तो सबसे पहले खबर पश्चिम बंगाल से आ रही है। पश्चिम बंगाल के पश्चिम मिदनापुर खड़गपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। मिलन संघ क्लब द्वारा झपातापुर बसंती मंदिर प्रांगण में एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। यह शिविर समाज सेवी स्वर्गीय विनोद दास चौधरी और हसीदास चौधरी की याद में आयोजित किया गया था और इस रक्तदान शिविर को खड़गपुर वॉलंटरी ब्लड डोनर्स एसोसिएशन के तत्वाधान में आयोजित किया गया। सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखा गया था और इस अवसर पर मुख्य स्वास्थ्य चिकित्सक दक्षिण पूर्व रेलवे खड़गपुर डॉक्टर एस ए नाजमी, चिकित्सा अधिकारी दक्षिण पूर्व रेलवे खड़गपुर डॉक्टर एस के बेरा मुख्य अतिथि के तौर पर उपस्थित थे। डॉक्टर नाजमी ने कहा कि रक्तदान एक महादान है। कुल 36 यूनिट रक्त का संग्रह इस रक्तदान शिविर के मार्फत किया गया। संचालक उत्तम चौधरी ने कहा कि लंबे समय से यह संघ सामाजिक कार्य कल्पों से जुड़ा है। लॉकडाउन के समय भी इस संगठन के माध्यम से गरीबों को भोजन देना, जरूरत की वस्तुओं का वितरण करना हुआ था, तो सामाजिक उत्थान इसका मुख्य उद्देश्य है। उन्होंने आगे कहा कि कोरोना एक विकराल रूप धारण कर रहा है, हॉस्पिटल में रक्त की कमी हो रही है और इसलिए यह एक प्रयास है। इस संघ के विशेष कार्यकर्ता विवेकानंद दास चौधरी भी उपस्थित थे। उन्होंने इसे एक महत्वपूर्ण योगदान बताया और कहा कि समाज सेवा का विशेष महत्व है, रक्तदान उसी कड़ी का एक अंश है, हमें अपने दायित्वों से मुख नहीं मोड़ना चाहिए। पश्चिम बंगाल से दीपक शर्मा की रिपोर्ट। ये हमारा यहाँ एक ब्लड डोनेशन कैंप इसीलिए कर रहा है जो खड़गपुर में ब्लड का बहुत कमी है। खड़गपुर बोल के नहीं, हमारा पूरा जिला में तो इस ब्लड डोनेशन के लिए हम लोगों खड़गपुर ब्लड डोनर एसोसिएशन के मेम्बर भी हूँ, उसको सामने रखते हुए युवा समाज को आगे बढ़ाने के लिए और उसके अंदर में सामाजिक कार्यों का उसको जागरूक करने के लिए ब्लड डोनेशन का कैंप का हम लोगों ने व्यवस्था किया है। साथ में हमारा भाई भी है विवेकानंद दास चौधरी और हमारे तमाम ये पाड़ा का जितना नौजवान लड़का है सब आगे आ गया है। उसके अंदर में एक जागृत हुआ जो हमें भी कुछ करना है, कोरोना से डरना नहीं है, कोरोना का साथ में लड़ना है और तमाम आदमी को मदद करना है। चाहे अपना खून दे के कोई आगे आदमी को इलाज होता है जरूरी है, हाँ जरूर देना चाहिए, लेकिन अपना प्रिकॉशन सब सेफ्टी लेकर ऑर्गेनाइज करने से अच्छा। उत्तर प्रदेश के औरैया जिला के दिव्यापुर थाना क्षेत्र में स्थित कंचौसी मोड़ पर शिवम नर्सरी पौधशाला पर हमारे प्रतिनिधि विकास सिंह ने जाकर के वहां पर मौजूद उदयवीर जी से बातचीत के दरमियान पूछा तो उन्होंने बताया कि हमारी इस नर्सरी में लोग बहुत दूर दूर से पौधे लेने आते हैं और यहां विभिन्न प्रकार के फूल, छायादार वृक्ष, लकड़ी वाले और औषधि से संबंधित पौधे मिलते हैं और यह पौधे मनुष्य के मानवीय जीवन को सुखमय और खुशहाल बनाते हैं। हर व्यक्ति को चाहिए कि अपने जीवन में एक छायादार वृक्ष का पौधा जरूर लगाए ताकि पर्यावरण शुद्ध बना रहे। देखिए दिव्यापुर से विकास सिंह की रिपोर्ट। मैं फास्ट न्यूज इंडिया से विकास सिंह इस समय शिवम नर्सरी जो ये कंचौसी मोड़ में स्थित है, यहाँ पर नर्सरी के जो मालिक हैं भाई साहब, इनसे हम जानेंगे मतलब ये नर्सरी से किस प्रकार संबंधित हैं। भाई साहब आपका क्या नाम है? उदय नारायण राजपूत। अच्छा, और भाई साहब आपके यहाँ कितने कितने दूर से लोग आते हैं? हमारे लोग यहाँ मान लो आप 25-30-40 किलोमीटर के इर्द गिर्द के सभी लोग आते हैं। अच्छा, और यहाँ पर बहुत इम्पोर्टेंट कौन कौन से पौधे हैं? जैसे किशमिश ट्री है, साइकस पाम है और आपकी रही जाए एरोकेरिया है, ये पौधा जो ऑक्सीजन को हमेशा देते हैं ये पौधा। अच्छा, जैसे फूल वाले कौन कौन से पौधे हैं? आपको एक जोरा है, चांदनी है, मनोकामनी है, हरसिंगार है। अच्छा, ये पौधा उठा के दिखाना। ब्लांड का पौधा है। अच्छा, ये घर में लगाने से शुभ पौधा होता है। अच्छा, इसमें घर में लगाने से क्या फायदा होता है? ये घर में लगाने से घर की तनक सुंदरता बढ़त और शुभ होता है, अच्छा लगत। इंडोर पौधा है जैसे मनी प्लांट, ये घर में ही चलती है। ये किसका पौधा? ये आपका सेंसिवेरिया पौधा है। अच्छा, इसमें
ये प्रदूषण हवा यानी कि हवा को शुद्ध करता है। इसकी कीमत कितनी होती है? ये वही 150 रुपया, 130-140। अच्छा, मनी प्लांट पौधा है? ये किशमिश ट्री, एरोकेरिया का पौधा। अच्छा, एरोकेरिया। इससे घर में क्या आता है? ये घर में रखने से हवा को शुद्ध करता है, हमेशा ऑक्सीजन गैस निकालता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेता रहता है और ऑक्सीजन गैस आप लोगों को निकालते हैं। साइकस फार्म। अच्छा, ये है आपकी बोगनविलिया। बोगनविलिया। और ये वाली है? ये आपकी मोरपंखी। ये मोरपंखी। मोर क्या फायदा लोगों को ये घर में लगाने से, लान में लगाने से सुंदरता, बड़ा सुंदर पौधा लगा देखने में। चलिए आपको हम फूल वाले पौधे और दिखा देते हैं हमारे कैमरामैन के साथ। ये किस चीज़ का? ये योरा का पौधा है, ये परमानेंट पौधा है, हमेशा फूल देते हैं। गमला में भी आप लगा सकते, लान में भी लगा सकते, परमानेंट पौधा है। और कोई बढ़िया खूबसूरत फूल वाला? ये ड्राफ्ट मनोकामनी, ये सुगंधित फूल है और ये हमेशा अपने गमला में या लान में लगा दो, हमेशा फूल दे दो, सुंदर खुशबूदार फूल इसमें निकला। ये हमारी गुलमेंदी है, गुलमेंदी वो वाल्सम इसे बोलते हैं। ये दो सीजन में बोई जाती है, बरसात के समय प्लस आपकी मार्च अप्रैल में जाके जाए। ये हमेशा फूल दे दे, क्यारी की हरी भरी दिक्कत और सुंदर फूल निकला था इसमें, 4-5 प्रकार के। अच्छा भाई साहब, जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप एक बार अपना नाम बता दीजिए। उदय नारायण राजपूत। अच्छा, पौध साले का नाम आपका? शिवम नर्सरी कंचौसी मोड़। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं फास्ट न्यूज इंडिया से विकास सिंह, बहुत बहुत धन्यवाद। उत्तराखंड के जिला उधम सिंह नगर के बाजपुर में एक हफ्ते के अंदर 3 तलाक के मामले दर्ज हुए हैं। बता दें कि देश की मोदी सरकार ने 3 तलाक पर कानून बनाया था, जिसको लेकर मुस्लिम महिलाओं में खुशी की लहर थी। देश में मुस्लिम महिलाओं द्वारा जगह जगह मिठाइयां भी बांटी गई थी, मगर उसके बाद फिर भी 3 तलाक के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं, जिसमें अभी तक पीड़ित महिलाओं को कोई न्याय नहीं मिला, नहीं दिख रहा है कोई न्याय मिलता। 3 तलाक के बढ़ते मामलों को लेकर ग्राम मुड़िया के पूर्व प्रधान लियाकत अली का कहना है कि जिस प्रकार 3 तलाक के कानून को लेकर मुस्लिम महिलाओं में खुशी थी, अब उन्हें इंसाफ मिलेगा, मगर इस कानून बनने के बाद महिलाओं को कोई इंसाफ मिलता नजर नहीं आ रहा है, बल्कि 3 तलाक के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। तो उन्होंने सरकार व प्रशासन से गुहार लगाई है कि पीड़ित महिलाओं को जल्द से जल्द न्याय मिल सके। देखिए बाजपुर से मोहम्मद शहीद की रिपोर्ट। माननीय प्रधानमंत्री ने जो ये बिल पास किया, 3 तलाक का बिल पास करा था, तो मुझे तो ये आश्चर्य हो गया कि 3 तलाक का बिल पास हो गया तो फिर इन जो लड़कियों के संग तलाकें हो रही हैं और इन लड़कियों को जो छोड़कर उनके पति भाग जाते हैं और उनकी पत्नियों से, अपनी पत्नी से कहते हैं जा जो तू ये करना कर ले, इसमें सरकार का कोई भी ऐसा दिखाई नहीं रहा। अभी तक कोई भी 3 तलाक में किसी को ना ही तो गिरफ्तारी हुई है, ना ही किसी के संग कोई अभी पकड़ हुई है। पता नहीं, मुझे तो ये समझ आ गया कि 3 तलाक का बिल तो पास हो गया, मगर इसमें कार्रवाई क्या हो रही है मुझे ये समझ आ गया। मैं कहना चाहता हूँ अपने माननीय प्रधानमंत्री से, अगर तुमने जिस तरह हमारे मतलब के मुस्लिम बहनों ने और भाइयों ने ये मिठाई बांटी थी कि अभी बहुत अच्छा माननीय प्रधानमंत्री ने ये बिल पास करा है कि अब 3 तलाक से लोग जो तलाक देकर भाग जाते थे, अब तलाकें नहीं होंगी, मगर मेरे हिसाब से तलाकें और बढ़ती जा रही हैं। तो वो गरीब माता जो अपनी माँ बेटी की शादी करती है, गरीब औरत, और उसके बाद वही बेटी को उसका पति छोड़कर भाग जाता है और वो माँ बेचारी रोती है, लगती है, भागती है, मगर उसे न्याय नहीं मिल पाता। बस शासन प्रशासन से कि इनके लिए न्याय के लिए पुलिस प्रशासन एकदम शक्ति में आए और जो लोग ये अपराध कर रहे हैं, लड़की छोड़कर 3 तलाक की तलाक दे रहे हैं, इनके सख्त कार्रवाई हो और उनके खिलाफ कार्रवाई के बाद उन्हें जेल में डाला जाए, ताकि आने वाले जो और लोग हैं उन्हें ये सबक मिले। तो तभी के समाचार आए, कुछ खास खबरों के लिए यही बने रहिए फास्ट न्यूज़ इंडिया के साथ। धन्यवाद।